बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म जब हैरी मेट सेजल रिलीज हो चुकी है। रिव्यूअर के हिसाब से फिल्म को एवरेज कहा जा रहा है, जबकि एसआरके की फैंस को ये फिल्म अच्छी लग रही है। इस फिल्म में कॉमेडी, डांस, रोमांस एंड इमोशन सबकी झलक दिखाई देती है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है। इस फिल्म के मॉर्निंग शोज 30% के साथ शुरू हुए। खबर ये है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग शानदार रही है। एसआरके की अब तक की फिल्मों के हिसाब से जब हैरी मेट सेजल ने बॉक्स ऑफिस पर 6th हाईएस्ट ओपनिंग दी है। देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले, रईस एंड फैन के बाद शाहरुख के इस फिल्म का नंबर लगता है। अगर 2013 में आई किंग खान की डियर जिंदगी की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। 2017 की फिल्मों को देखें तो जब हैरी मेट सेजल ने 4th सबसे बड़ी ओपनिंग दी है। इससे पहले बाहुबली ने 100% और शाहरुख खान की फिल्म रईस ने 65% ऑक्यूपेंसी दिखाई थी। जब हैरी मेट सेजल 80 करोड़ के बजट पर तैयार हुई है, यानी कि फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 100 करोड़ तक की कमाई करनी पड़ेगी, जो कि इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब हैरी मेट सेजल भारत में 3200 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, ट्रेड पंडितों की माने तो इस फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15.5 करोड़ का है। अब बस देखना है कि जब हैरी मेट सेजल ये फिल्म वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें।